एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल इज अबाउट द इनकम फ्रॉम सैलरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सो दो लेक्चर हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पे कंप्लीट किए हैं फर्स्ट लेक्चर हमारा था बेसिक्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था दैट वॉज रिलेटेड विद इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ अ प्राइवेट एम्प्लॉय तो प्राइवेट एम्प्लॉय अगर होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और आपका वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा तो so, अभी हम आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड विल बी रिलेटेड विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैंने आपको टेक्निक बताई थी सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कैल्कुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर संजय फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ही इज वर्किंग विथ इंडियन रेलवेज आपको ध्यान रखना है कि वो जो संजय नाम का पर्सन है इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं अभी इंडियन रेलवेज का मतलब ये क्वेश्चन कैसा है ये क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और अगर आपके क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पॉइंट अगर आता है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको एंटरटेनमेंट जो अलाउंस होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आपको हर क्वेश्चन में याद रखना है उंस वी नीड टू सी फ्रॉम द क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉज गिवन इफ क्वेश्चन इज रिलेटेड विद गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन हमें डिडक्शन मिलेगा बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम होते हैं ज्यादा कोई कैलकुल डिफिकल्ट नहीं है सिंपल तरीके से शुरू करेंगे और काफी सारी चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी क्लियर करवाया है फिर भी एक बार रिविजन के बेसिस पर सारी चीजें एक बार पढ़ लेंगे सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है फॉर्मैट सो हमें शुरू करना नेम ऑफ दी एस से तो मैंने नेम ऑफ दी एस के लिए क्या किया नेम ऑफ दी एस मैंने लिखा मिस्टर संजय जो हमारे पर्सन का नाम है वो लिखना है आफ्टर दैट यू नीड टू राइट लीगल स्टेटस लीगल स्टेटस हमेशा आपको इंडिविजुअल लिखना है असेसमेंट ईयर जो हमारा इस साल का असेसमेंट ईयर है दैट इज 2020-21 देन हमारा प्रीवियस ईयर 2019-2020 नाइनटीन रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी दैट इज आर ओ आर लिखना है पैन नंबर फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने डैश मार दिया है फिर आपको हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ठीक है अभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं देखो पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम्स मैंने बना लिए हैं सबसे पहले आता है हमारा बेसिक सैलरी जो आपके क्वेश्चन में है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है जिस पॉइंट में आपको क्वेश्चन दिखाना होगा मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए सबसे फर, पहला पॉइंट है बेसिक सैलरी तो बेसिक सैलरी हमें पर मंथ दिया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पर मंथ का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो हम पर एनम को कन्वर्ट करेंगे मतलब पर मंथ को पर एनम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व करना जरूरी है तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड को अगर हम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेसिक सैलरी आ जाएगी नाइन लाख रुपीज़ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट कर ली है देन द सेकेंड पॉइंट इज डियरनेस अलाउंस अभी यहाँ पे डियरनेस अलाउंस ना परसेंटेज में दिया है जिसको हम डी के नाम से जानते हैं इट्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ बेसिक अगर ट्वेंटी परसेंट ऑफ बेसिक है तो आपको क्या करना है कैसे कैलकुलेट किया देखो मैंने इसको आपका बेसिक तक इतना था नाइन लैक्स ,00 था तो नाइन लैक्स ,00 यहाँ पे लिखा हुआ है नाइन लैक्स ,00 को मैंने मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी परसेंट से तो अगर मैं नाइन लैक्स ,00 को ट्वेंटी परसेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू आ जाएगी वन लैख एटी थाउजेंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज हाउस रेंट अलाउंस तो के लिए क्वेश्चन में दिया था फाइव थाउजेंड पर मंथ तो मैंने फाइव थाउजेंड को मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व से तो so मुझे आंसर मिला सिक्सटी थाउजेंड लेकिन आपके क्वेश्चन में एग्जेप्ट करके भी दिया हुआ है तो so अगर हमारे क्वेश्चन में एग्जेम्प्ट करके दिया होगा तो so हम क्या करते हैं एग्जाम्पन वाले अमाउंट को माइनस करते हैं तो एग्जामेशन इसका है अंडर सेक्शन टेन थर्टीन ए फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फाइव हंड्रेड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा फिफ्टी फोर थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड में से अगर हम फिफ्टी फोर थाउजेंड को माइनस करेंगे लेस करेंगे तो हमें आंसर कितनी मिलती है हमें आंसर मिलेगा सिक्स थाउजेंड वो हमारे आउटर कॉलम में देन द नेक्स्ट पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन इज स्पेशल अलाउंस तो स्पेशल अलाउंस आपको दिया है सात हजार आठ सौ पर मंथ तो हमने किया सात हजार आठ सौ मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व तो सात हजार आठ सौ इंटू ट्वेल्व किया है तो दैट विल बी नाइनटी थ्री सिक्स हंड्रेड और उसमें से एग्जेट दिया था आपको फोर्टीन हंड्रेड तो फोर्टीन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व किया तो आंसर आया सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो मिल जाएगा सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है बाकी सारे पॉइंट मैंने क्वेश्चन में जैसे थे वैसे के वैसे लिख दिए बोनस रिसीव्ड सिक्सटी थाउजेंड गिवन डायरेक्टली पर एनम तो बोनस एक ही बार मिलता है पर मंथ नहीं है जहाँ पर मंथ नहीं होगा उसे हम डायरेक्ट प्रेजेंट करेंगे एरियर्स ऑफ सैलरी एटी फाइव थाउजेंड डायरेक्टली गिवन एडवांस सैलरी थर्टी थाउजेंड डायरेक्टली गिवन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन फोर्टी फाइव थाउजेंड डायरेक्टली गिवन एक्सग्रेशिया इज वॉट एक्सग्रेशिया इज एडिशनल परक्विजिट एडिशनल बेनिफिट दैट इज फोर्टी थाउजेंड डायरेक्टली गिवन वैल्यू ऑफ मोटर कार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डायरेक्टली गिवन फर्दर क्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली गिवन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी ध्यान से यही आपका क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है उसका डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में देखना है एक बार मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन में से पॉइंट क्लियर हो जाए देखो मैंने सारी चीजें डायरेक्टली डायरेक्टली प्रेजेंट की है तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द पॉइंट की मैंने किस तरीके से इसको लिखा है अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारा जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस थ्री थाउजेंड पर मंथ ठीक है और ये इंडियन रेलवेज में काम कर रहा है अगर इंडियन रेलवेज में काम कर रहा है इसका मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको क्या ध्यान रखना है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको डिडक्शन मिलेगा अभी मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं ध्यान से देखो ठीक है एंटरटेनमेंट अलाउंस थ्री पर मंथ तो थ्री थाउजेंड किया थर्टी हमें आंसर मिल गया अभी जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे होंगे इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है इन सारे पॉइंट्स को आपको ऐड करना है इफ यू ऐड ऑल दिस पॉइंट्स आई हैव रिटर्न तो हमें यहां पे जो ग्रॉस सैलरी मिलेगी इन सभी का टोटल दैट विल बी फिफ्टीन लैक्स थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो ग्रॉस सैलरी तो मिल गई अभी जैसे ग्रॉस सैलरी आएगी उसके बाद हम डिडक्शंस में जाएंगे तो हमने तीन डिडक्शंस पढ़े थे नंबर वन स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या रूल था क्या रूल था स्टैंडर्ड डिडक्शन का ग्रॉस सैलरी की अमाउंट ग्रॉस सैलरी की अमाउंट और फिफ्टी थाउजेंड डायरेक्ट लिमिट है गवर्नमेंट की इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा वो हम लेंगे तो अभी एक बार चेक कर लो ग्रॉस सैलरी की अमाउंट पंद्रह लाख तीन हजार आठ सौ है और हमारा लिमिट फिफ्टी थाउजेंड है तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है फिफ्टी थाउजेंड इसीलिए मैंने यहाँ पे बाहर फिफ्टी थाउजेंड ही लिखा है दैट इज नंबर वन नंबर सेकेंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रहा तो हम उसको डिडक्शन देते देखो ऊपर भी मैंने एंटरटेनमेंट लिखा है ऊपर भी वैल्यू आपको लिखनी है और नीचे भी वैल्यू आपको लिखनी है लेकिन नीचे तीन रूल्स से वैल्यू लिखनी है मैंने आपको तीन रूल्स बताए थे ध्यान रखना ये रूल्स एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव पहला पॉइंट थाउजेंड एक्चुअल एंटरटेनमेंट मतलब जो आपके क्वेश्चन में इधर लिखा है ना आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस थाउजेंड वही आपको लेना है फिर वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी अभी आपकी बेसिक सैलरी एक बार दिखा देता हूँ आपको बेसिक सैलरी देखो क्वेश्चन में नाइन लैक्स ,00 लिखी है मैंने बेसिक सैलरी तो अभी आपको क्या करना है वन फिफ ढूंढना है आपके बेसिक सैलरी का तो बेसिक सैलरी का वन फिफ्थ अगर आप ढूंढोगे यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ इन लैक्स ,00 का आपको क्या ढूंढना है वन फिफ ढूंढना है तो नाइन लैक्स ,00 का वन फिफ्थ कितना आएगा 9 ,00 का 1, आ जाएगा आपके पास वन लैख एटी थाउजेंड ठीक है और तीसरा रूल है हमारा मैक्सिमम लिमिट जो गवर्नमेंट के तरफ से फिक्स है दैट इज फाइव थाउजेंड तो हमें करना क्या है अभी थ्री रूल से हमने कैलकुलेट किया नंबर वन एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड नंबर सेकंड वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी नंबर थर्ड मैक्सिमम लिमिट रूपीज फाइव थाउजेंड इज लेस स्मॉलेस्ट अमाउंट कंसिडर करना है पिचेवर इज लेस थर्टी सिक्स वन लैख एटी और फाइव थाउजेंड में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा वही आपका डिडक्शन होगा तो छोटा अमाउंट कौन सा है इसमें से फाइव थाउजेंड इसको मैंने बाहर लिख दिया फिर प्रोफेशन टैक्स आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाता है ढाई हजार पर एन तो वो भी मैंने लिख दिया अभी आपको क्या करना है इस फिफ्टीन लैक्स थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड में से ये तीनों के तीनों अमाउंट्स को लेस करना है फिफ्टीन लैक्स थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस फिफ्टी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वॉट एवर फाइनल आंसर यू आर गेटिंग ये जो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिला है दिस फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी तो दिस इज क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई होप कि आपका ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर होगी रहेगी बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय में एक ही फर्क है प्रेजेंटेशन विल बी सिमिलर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल गेट द डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है अगर यही प्राइवेट एम्प्लॉय रहेगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ ग्रॉस सैलरी के ऊपर लिखना है डिडक्शन में वो पॉइंट नहीं आएगा जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चन का पी डी एफ आपको भेजने वाला हूँ उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए वो सारे के सारे हैं। आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम में चैनल है अपना लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम उसको ज्वाइन कर लो वहां पे मैं सारे के सारे पी डी एफ्स शेयर करते रहता हूँ सिस्टमैटिकली वे में जाएंगे हर लेवल करवाऊँगा सिर्फ आप चैनल के साथ बने रहे और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर